हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और सबसे पहले उनको थैंक यू जिन लोगों ने मुझे विश किया, क्योंकि ये ब्लॉग कल आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फॉर योर बेस्ट विशेज। देखो कितना प्यार दिखा रही है ये मुझे, ये बर्थडे के दिन ऐसी प्यार दिखाती है। और ये मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट भी नहीं दिया इसने। गिफ्ट में पेन दे चुके, क्या दिया है तुमने? आईफोन 15। झूठ, इतना झूठ बोल रही है ये। अब ये पता है क्या, यहाँ पे ना घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। तो सीन ये है कि मैं अभी ना बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे को कह रही कि बाहर मत जाओ, मुझे ना डर लगता है। इसे इतने इतने दिन के उजाले में भी इस लड़की को डर लगता है, और बहाने कर रही है अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये देखो चक्कर आ रहे हैं, सच में लग तो नहीं रही। वहां चल, सुनो कटिंग के लिए चलते है ना, है कह रहे शाम को चलेंगे। मैं इसको ट्राई कर रहा था, पता नहीं बर्थडे मेरा, देखना मेरा आउटफिट देखना, जरा दिखाना जरा, गरीब सा, मतलब गरीब सा क्या, जो है ठीक है, ये भी एक लाइफ है। मतलब ऐसे पुराने दुराने से कपड़े मुझे दे रखे हैं, मुझे देख के कोई नहीं कहेगा मेरा बर्थडे है, और इसको देख के दुनिया कह देगी कि ये, इसको देख के दुनिया कह देगी कि ये बर्थडे है। क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे, सर घूम रहा है। तो पानी पी लो, पानी तुम पीती हो? यार मैं अकेली रहूंगी तो लग लगेगा ना कुछ हो गया तो। सुने ऐसे एक्सक्यूजेस किसी ने? ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देती है यार। नहीं तो किसी को भेज दो, ये भी कोई बात है। चालू दीदी को भेजो, नहीं तो हाँ उसे बुलाएगी, उससे ज्यादा बॉन्ड है ना इसका, ये दोनों एक जैसे है लड़ाकू, तो इसलिए उसको ज्यादा पसंद करती है ना। ऐसा नहीं है, तुम वो लड़ाकू, हम क्यों होते? तुम ही हो, मैं रहा हूँ जा, ठीक है। मेरी चैट पढ़ते हैं दीदी के साथ जो मैं करती हूँ, इतने चलाक। सो व्हाट? तो आप हमारी चैट नहीं पढ़ सकते हो? तुम क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो? अरे तो भाई हमारी बात जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बात बताते हो, ये कुछ ना होता है इसकी चैट में। इसकी चैट में ना रील होती है, और रील भी ऐसी ऐसी कोई पता नहीं क्या, किसी का कच्चा उतर गया, किसी कुछ ऐसी ऐसी रील शेयर करते हैं दूसरे को। हाँ सच में दिखाऊंगा तुम्हारे रील्स किसी दिन, कैसी शेयर करते हो। वो ऐसे ऐसे करेगी, वो छिपकली चढ़ रहती है, उसको छिपकलियाँ शेयर कर देगी बिना मतलब ही। फिर वो कहते हैं मुझे मत भेजा करो ये वो, मतलब बहुत अजीब अजीब तरीके की रील्स भेजते हैं एक दूसरे को। हाँ तो ठीक है, चक्कर आ गए तो मैं जा रहा हूँ नीचे, ड्रामेबाज कहीं की। क्यों ना जाऊं यार, ये मेरे को कोई जाने ही नहीं देती नीचे वीचे, बताओ हद हो गई। मैं बाहर ना निकलू, हवा ना लू बाहर की। हाँ अकेले रहो, अब थोड़ी देर में बाहर घूम के आ रहा हूँ, फिर मिलूंगा। अरे नहीं यार, सारे चले बाय। अभी इसको चक्कर आ रहे थे, अभी मैं स्टेयर्स भी नहीं उतरा, और अब देख लो ये यहाँ के खड़ी हो गई। चक्कर नहीं आ रहे, मैं बाहर ना चला जाऊं, इसलिए जा रहा हूँ मैं बाहर। नहीं जा रहा हूँ मैं, जाओ ठीक है। अब सही हो गए तुम्हारे चक्कर, है दोबारा नीचे जा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम आपके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, हम कुछ जा नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसलिए। क्यों? आपका फास्ट है ना, तो फास्ट है तो सेलिब्रेट करो, तुम लोग खाओ, मैं चलता हूँ लेके। नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्यों, अच्छा लगने वाली क्या बात है इसमें? नहीं तुम्हें आज एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ गाइस, मैं सब बर्थडे विश करते हैं मुझे, बस एक वो शख्स नहीं करता, इसको तो पता है, इसको पता है, आप लोगों को दिखाऊंगा कौन है। ठीक है फास्ट है कोई बात नहीं, अच्छी बात है फास्ट है, आज भगवान के साथ बर्थडे बन रहा है। बट हाँ ये है कि वाइब नहीं आ रही अंदर से, पता नहीं इतने दिन से नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। मैं तो बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ना उंगलियों पर बैठ के हिसाब लगा रखा था कि कितना इंसान अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका है, यानी कि मैं कि कितनी लाइफ कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना हिसाब कैलकुलेशन लगा रहा था उस पर, अभी मैं बैठ के अकेला कि कितनी लाइफ मैंने कंप्लीट कर ली है। देखो कितने हाथ खाली है मेरे, बताओ, मेरे को तो गिफ्ट भी नहीं दिया किसी ने। एडवांस में नहीं, कपड़े खरीद के लाइए अपने, कटिंग करानी है इसको अपनी, सब इसको अपना कराना, मेरा कोई रोल नहीं है ना, नहीं है ना। जी देखो नहीं है, आपके लिए टी शर्ट लाए थे। बस टी शर्ट में खुश कर दिया, वो जो उस दिन हम लेके आए थे मिनी थाईलैंड, यानी कि कांगड़े थे तिब्बतियन मार्केट। अभी मेरे वाले लैला का फ़ोन आ रहा है, यानी कि मेरे फ्रेंड का, तो मैं चलूँ उसके पास। कहीं नहीं जा रही, नीचे ही है, उसको कहीं जाना था वो जा नहीं पाया, अभी देखता हूँ आके, जरा मिलता हूँ जरा उनसे जिन्होंने मुझे विश नहीं किया, जरा उनकी वार्ड लगवाऊंगा, लगाता हूँ आपके सामने। समझ गई। हाँ ये समझ गई, अभी लगाता हूँ आपके सामने। हाँ क्या कह रहे हो तुम बताओ, तुमने
तुमने कब विश करा नू बताओ पहले मुझे। करा तो तुमने भी ना है। तुमने कब करा? सुबह ना कहीं बनी जन्मदिन मुबारक हो। कहीं भी ना कहीं एक मारूं झूठ बोलेगा। तुमने ना करा, मम्मी ने तो करा। अच्छा तुमने ना करा बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ तुमने ना करा बिल्कुल भी। हैं? कोई बात नहीं, अगली बार चेंज करके देंगे। तो देख देख यूं कह रहे हैं, चल भाई हैप्पी बर्थडे। टाइम देखना जरा, रात के 10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं अब। तुम्हें याद आ रही है हैप्पी बर्थडे? कोई बात ना, पर तो तुम्हारा भी मैं भी ना करने का हूँ। मैं भी ना करूँ? देख लेना, मैं भी ना करूँ बेटा, मैं भी ना करूँ और क्या। बर्थडे तो तुम्हारा भी है, दिन भी दूर नहीं है। हाँ तुम्हारा भी बर्थडे है। बताओ यार, इन्होंने विश नहीं करा, पूरे 70-80 हज़ार लोगों ने विश कर दिया, इन्होंने विश नहीं करा। पहला तुझे पता नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। क्लियर कटिया बैठ गए। अरे जब तू उठ के गया, जब ही मैंने कर दिया। कितने बजे उठा मैं? तू उठा 8:30 बजे। कितना झूठ बोल रहे हैं ये, बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ। जब गाड़ी की क्या निकाली, जब ही कह रहा मैंने कहा हाँ भाई आज तो बर्थडे। ओ तुम कोई झूठ बोल रहे, तुम तो सीखे। तो इनने जवाब नहीं दिया, फिर मुझे गुस्सा आ गया। ओ कितना झूठ बोल रहे, उल्टा मेरे पे डालने। अब तुम्हारे बर्थडे पे ना करूँ। वकील तो तभी तो झूठ बोल रहे हैं। वकील के पापा हैं। ठीक है भाई ठीक है। हाँ मेरे सारे भक्त गवाही दे देंगे। चलो पूछवा देना। हाँ अरे मम्मी के हाथ में होगी दिक्कत, पता नहीं कैसा है। इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया अपने हाथ में। कल इनका भी बर्थडे है। हाँ ये देखो इनके हाथ में दिक्कत हो रही है, कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब ये ना चलना बंद हो गया, नशे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। और मैं कल दिखा के भी लाया था, वो कह रहे थे सिर्फ शिकायत से हो जाएगा, वो फिर भी नहीं हुआ। खाने पीने की बहुत तंगी है। तंगी नहीं है, खाने पीने की भरपूर वो है, खाते पीते नहीं है। खाने पीने की इनको तंगी है, खाते नहीं है। ना हमें ना चाहिए तेरी मोटरसाइकिल रखी हुई, मोटरसाइकिल खरीदी है। बर्थडे गिफ्ट है तेरा? हाँ। और क्या, मैं तो खरीद के लाया। सबका बर्थडे होता केक आता, मेरे बर्थडे पे कोई केक नहीं आता। झूठ। कब आया बता? पिछले साल का बर्थडे तो अच्छा सेलिब्रेट करा, इतना मारूंगी इतना मारूंगी। साल पास किसने करा तो बर्थडे तो क्या हो गया, थोड़ी तो खाऊंगा ही तो नहीं। तो 10 को खा लीजो हमारे साथ। ना ना 10 को नहीं खाऊंगा, अब नहीं कटवाऊंगा मैं अपना केक। किसी कोई नहीं लाया मेरे लिए केक, देख रहे हो कैसे करते हैं मेरे साथ। ठीक है भाई ठीक। ये केक भी नहीं लाया मेरे लिए, बताओ मेरे बर्थडे पे। ठीक ठीक। हाँ देखो यूं और कह रहे ठीक ठीक ठीक। तो माँ क्या कहूँ भाई, मैं क्या कहूँ जो कह रहे हैं। बवाल मच गया था मेरे लिए, कोई भी केक नहीं लाया और मैं केक नहीं काटूंगा अब केक आया तो। अरे केक का पिताजी उठा कर ले आऊंगा तो टेंशन ना। हमें ना चाहिए, तुमने तो विश तो करा ना, उल्टा मेरे पे नाम और लगा रहे हो। अरे भाई जरा 5 किलो का केक रखा, 5 किलो का केक रखा है अंदर, झूठ बोल रहे हैं, ला रहे हैं गुरु, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। 10 साल तो मुझे जुड़े हो गए, आज तक तो मैंने 5 किलो का केक देखा था। देख लो मम्मी ने भी कह दी अब तो। ये पॉइंट बिल्कुल तुम्हारा सही है। हाँ ये तो मम्मी ने ही कह दी। जो हंस के ये बात कहेगा तो वह बात झूठी कहलाती है। अच्छा मतलब कोई बात कह रहा हंस रहा है तो झूठी है। हाँ, वो झूठी है। तो तुम भी झूठ बोल रहे हो कि तुमने विश करा है? नहीं, हम सामने वाले को देख के हंस रहे हैं। ना, तो इनकी बात भी झूठी हुई ना मम्मी। छोड़ यार। अरे कैसी बात। अब तुम बर्थडे तो तुम्हारा भी आ गया। तुम कोई बात नहीं, हमारे बर्थडे पे हमें आलू की खाली आलू की रोटी बना के खिला दे। हमारा फास्ट था तो हमारा केक भी नहीं कटवाया किसी ने। कोई बात नहीं, फास्ट की वजह से तो नहीं मंगाया भाई। तो केक काट तो सकता था मैं, खा नहीं सकता था तो। ओ भाई पेस्ट्री दीजिए जरा। हाँ पेस्ट्री मेरे को ना चाहिए, पेस्ट्री वेस्ट्री मेरे को पेस्ट्री में बहलाने के चक्कर में लग रहे। बताओ हद होगी यार। क्यों तुम क्यों, क्या सही कह रहा हूँ मैं? आदमी की बेइज्जती कर रहे हो भाई। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। तुम हर बार यूँ कहते हो मेरा बर्थडे 7 का है तो तेरा बर्थडे 8 का है। हाँ। जिसका 8 का है उसे कहते हैं तेरा बर्थडे 9 का है, और जिसका बस अपना याद रहता है कि हाँ मेरा 10 का है भाई। हाँ और क्या, सही बात है। हाँ याद तो यूँ रहता है ना, एक तो ये हो गए और एक वो हो गई मोटी। हाँ दो जनों का बर्थडे 7 में है ना। कोई बात नहीं, आन दो 10 तारीख आन दो। हाँ देख लेंगे कितना याद है। 22 का है। हाँ एक दिन पहला कर दिया, 23 का उसका बर्थडे। अरे जब तुम कर सको बढ़ा सको तो एक दिन हम घटा। तो तुम्हें देख के तो घटा बढ़ा रहे हम। क्या यार, दोनों की बॉन्डिंग भी सेम है। अब भी यूं नहीं है कि लड़का इतना कह रहा है तो केक मंगा लूं, केक नहीं मंगाया मैं काटूंगा नहीं। अब केक देखना जरा
तो मैं एक बात और बताता हूँ, मैं जितने का भी हो गए ना, मेरा बर्थडे याद नहीं है, मगर अपनी गगन का नाम ही ना हमेशा याद रहता है। रहता है नहीं रहता? हाँ, गगन का नाम ही ना हमेशा याद रहता है। ओए भाई देखो, भगत आदमी के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं भाई। खुद तो मैं खुद ही दिखा दूंगा कि जितने खुद ही स्टोरी बताएंगे, देख लेना तुम आगे चल के। धीरज भाई ये फसवा देंगे हमें, कैसे देंगे? फसवा ना देंगे, सही कह रहा हूँ मैं। साथ में मम्मी बैठे ना, तुम मम्मी से डर रहे हो? अरे है ना मम्मी, अपने आप से भी ना है। हाँ लग रही है ना, हाँ फैशनेबल वकील। A few moments later. पापा भी यही कह रहे भानु कह रही होगी कि कोई भी केक नहीं लेके आया। मैंने तो कहते हैं भानु तो खुद ऐसी है, वो तो खुद ही है, खुद ने 1 रुपए की टॉफी तक के लिए माना कि मेरा फास्ट था यार। बट ये है कि एक वो थे अंदर से वाई बात थी कि हाँ भाई ठीक है, मैंने खुद से बोला कि मतलब कि ऐसे ऐसे तुमने तो कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया, ये है वो है। तो उनको भी कहा मैंने, तो इसको भी कहा बैठी साइड में, ठीक है। तो भाई चीज़ है ना, सिखाई नहीं जाती। और ये मेरे को बोल रही है कि मेरे को ना कोई आइडिया नहीं है अभी। क्या बोल रही थी? डेकोरेशन के, क्योंकि जो मैं बुक करती थी वो मेरे हमारे साइड का होटल था। कोई भी चीज करने के लिए ना कहीं से भी इंसान हथेली लगा लेता है, ठीक है, जब उसको करनी होती है। मैंने भी खूब करी और इसने भी खूब करी बर्थडे के पहले, झूठ नहीं बोल रहा, खूब डेकोरेशन करवाई है इसने खुद जाके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है तुम करो, क्योंकि जब इंसान कहे और उसके बाद चीज़ें होना तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, ठीक है। सरप्राइजिंगली जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ, ठीक है, और जितना जिसमें समझ है ठीक है। लेकिन ये है कि आज मूड बहुत ख़राब हुआ, बर्थडे गिफ्ट मैंने आपको बर्थडे बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है। ये तुमने फ़ोन दिया हुआ है, इसने आईफोन 15 गिफ्ट करा था मुझे फेब्रवरी में, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए नहीं है यार, बस एक फीलिंग होती है जो कुछ होती है। तो बर्थडे बहुत ख़राब था। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल के नए ब्लॉग में, आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जय श्री राम और जय जगन्नाथ। अपने एक भाई थे जो बोल रहे थे कि भाई आप जगन्नाथ नहीं बोलते ब्लॉग में, भाई भगवान मेरे लिए सारे एक हैं, ठीक है। और तो यही है बस, कहने के बाद ना चीज़ें करने का मज़ा नहीं आता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। किसी को आता हो तो आता, मुझे नहीं आता भाई, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे कि अब भी ये सब कह रहे हैं कि अब भी मंगा दूँ, मेरे को नहीं चाहिए भाई। और नहीं, कहने के बाद ना वो वाइब नहीं रह जाती। तो मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में, जय श्री राम।